ये भाई शुभम इधर रामायण देख रहा है बच्चों के साथ। डेजर्ट के बीच में हमारी गाड़ी खराब हो गई है, पता नहीं क्या है। वो भाई है ना आगे गए हैं ताकि उनके फोन में नेटवर्क आ जाए, यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रहे। हर हमें 15 से 20 किलोमीटर पे एक एक्सीडेंट मिल रहा था। जैसे पानी नहीं खोलता है वो खोलने वाली आवाज आ रही है उधर से लावा की। ये देखिए भाई नीचे आने के बाद इस टाइप का माहौल था। इधर खाना वाना बना, हमने सारा खाना वाना खा लिया और इतनी गाड़ियां हैं, 16 गाड़ियां हैं यहाँ पे और कुछ गाड़ियां उधर पीछे भी खड़ी हुई हैं। तो बहुत बड़े ग्रुप आ रखे हैं और जो खाना पीना था और जो ब्रेकफास्ट था सब कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम सब ने ब्रेकफास्ट किया था और हमारे सोने वाली जगह दिखाता हूँ कहाँ पर सोए थे। ये जो मेट्रो से अभी कर लिए हैं और ये भाई अपनी गाड़ी है जो अभी खाली करके भाई ने एकदम पूरी अरेंज कर दी है। ये देखिए हम उस वाले में सोए थे, वहाँ पे भाइयों ने मैट्रेस डाल दी थी और मैट्रेस के ऊपर आराम से मस्त तरीके से सो गए थे हम। बड़ा सही था यार, ये छोटे छोटे इस टाइप के वो बना रखे हैं तो काइंड ऑफ फैमिली को एक छोटी सी प्राइवेसी मिल जाती है। इतनी बड़ी दीवार तो नहीं है लेकिन छोटी सी दीवार है। ये जो ऊपर आपने लावा देखा था ना वो कुछ टाइम बाद ऐसा बन जाएगा मे बी आज से हज़ारों लाखों सालों बाद। और यहाँ के इन भाइयों के आपके किचन दिखाता हूँ कि यहाँ पे किचन किस तरीके से काम करती है। रेडी ब्रदर, रेडी टू गो? Yeah, I returned back to Samira? No, Dalo. Oh, already. You have a new group? Yes, there is another group. So there's a lot of work for you. Yeah. Yeah, it's part of life. It's a part of life in the seasonal time. But this is the peak season for you? It's seasonal time now. This is the best season, yeah? Yes. Ye bhai, ye hamare cook bhai sahab the. Thank you. You're welcome. Gaddagi. Gaddagi. Ami Saginano. You're Amarik, yeah? Yeah. Ami Saginano, brother. Ami Saginano, Amarik. Gaddagi, afar. Gaddagi. Da-da-da-da-da. It was good. Speak Amarik? Amarik, yeah. Nia? Yeah, Tunis. Afar. Tunis? Ah, wow. Arabi? Shwe. Afari. Afari. Thank you. Gaddagi. Haan Shubham. तो भाई हम लोग वोल्केनो से फिलहाल निकल चुके हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं फिलहाल अभी एक सॉल्ट लेक की तरफ। क्या नाम है सॉल्ट लेक का दीपांशु? अफदेरा सॉल्ट लेक भाई। और यहाँ पर एक्चुअली डेड सी की तरह यहाँ पे आप फ्लोट कर सकते हो, यहाँ पे आप डूबोगे नहीं। और भाई उधर से एक हॉट स्प्रिंग भी आ रही है तो चलो मैं जाके ट्राई करता हूँ फ्लोट करने का। पानी में क्या है कि ऊपर गर्म है नीचे ठंडा है। या भाई ऊपर जो हॉट स्प्रिंग है भाई, ये हॉट स्प्रिंग है तो गर्म पानी है और भाई नीचे का पानी ठंडा है तो एकदम गर्म ठंडा लगता है अंदर जाके। बड़ा कन्फ्यूजिंग टाइप में, मतलब कि आप अपना पैर अंदर रखते हो ना तो दो टाइप की फीलिंग आती है। ऊपर वाला जो आपकी स्किन है वो सोचती है कि पानी गर्म है और नीचे वाली स्किन बोलती है नहीं पानी ठंडा है, क्योंकि भाई दोनों पानी की डेंसिटी अलग अलग होती है ना, गर्म पानी ऊपर रहेगा ठंडा पानी नीचे रहेगा। बस ठीक है इतना? अरे ओए हो जाएगा, मैं फ्लोट कर लूंगा आराम भाई, फ्लोट यहीं पे कर लेगा तू। तो भाई मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ फ्लोट करने को, मुझे स्विमिंग करने नहीं आती। ये डरावा कितना है देखो ना। तो गाइस देखा मैंने जैसे कि मैं फ्लोट कर रहा हूँ, ये इतना सॉल्टी है कि आपको डूबने नहीं देगा। मिला अगर कैमरा अंदर गया तो को मार दूंगा मैं। मेरे वाला ले लेना, शुभम को डर लग रहा है कि उसका कैमरा चला जाएगा अंदर। शुभम गया। छिट्टा भी पड़ेगा मैं मार दूंगा। छिट्टा नहीं पड़ने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा अभी। ठीक है आ जाओ जल्दी, अरे लेट हो जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? You guys are doing great. लुकाशंको? Yes. ये भाई सुबह हम फोटो खिंचवा रहे थे K-47 के साथ और शुभम ने अभी बेलारूसी टी शर्ट लेके आया था। एक जो गिफ्ट मिला था, ऐसे गिफ्ट मिली थी क्या? ये लिखा हुआ यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। ओके अभी भाई हम जा रहे हैं बजाज में अपने ऑटो में बैठ के। अरे वहीं पे मिलेगा खाना खाते टाइम। जो हमारी गाड़ी है वो एक गाड़ी को लेने गई है, गाड़ी फंस गई है। भाई बहुत देर वेट करने के बाद ना अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, हमारी गाड़ी भी आ गई है। ये भाई शुभम इधर रामायण देख रहा है बच्चों के साथ, ये छोटी बच्ची इंटरेस्ट लेके और देख रही है इसमें। अरे 50 की बियर दी है शुभम, 50 की बियर दी है भाई, 50 की भाई, बहुत सस्ती बियर दे दी यार हमें तो बहुत ज्यादा। उधर वाले रेट सोच चार्ज करते हैं।
अरे तेरा तौलिया गिर गया नीचे। तौलिया गिर गया क्या? थैंक यू। गद्दगी बच्चा, बच्चा गद्दगी बच्चा निकलियो मेरे से बिना ले। गद्दगी माय फ्रेंड, खा चाट। हाँ मैं बोलूँ मत। ओके ओके अगेन। भाई यहाँ पे जितनी भी मूंगफली है ना सब लेके जा रहे हैं हम। यस यस बाय 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 बाय। डेजर्ट के बीच में हमारी गाड़ी खराब हो गई है, पता नहीं क्या है। पहले हम उन भाइयों को पिक कर लेंगे थे जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी, और अब यहाँ पे हमारी गाड़ी खराब हो गई है। गाड़ी को खोला हुआ है भाई, पता नहीं किधर चले गए हैं। अरे शायद बैटरी में कोई दिक्कत हो गई है तो इस कारण से अब पता नहीं, वो भाई भी नहीं दिख रहे, शायद फ्रेश होंगे होंगे इधर उधर। पहले हम तीन जने ट्रैवल कर रहे थे और हमारे साथ में एक और भाई थे, उनकी फ्लाइट थी आज शाम को, तो उनको भाइयों ने दूसरी गाड़ी में भेज दिया। लेकिन जिन दो भाइयों की गाड़ी ख़राब हुई थी ना, उनको हमारे ड्राइवर भाई साहब पिकअप करने गए, और अब हम गाड़ी में छः बंदे हैं। थोड़ी सी आगे चलते भाई हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई, फिर हमने बोला कि यार आज जिन बंदों को हमारे जो ड्राइवर भाई साहब थे वो पिक करके लेके आए थे, उनको बोलते यार तुम्हारी किस्मत ही ख़राब है, तुम्हारे आते ये गाड़ी और ख़राब हो गई। हमने मजाक में बोला था, ऐसा नहीं कि यार कि हम सीरियस ही हैं। तो जो हमारे ड्राइवर भाई साहब हैं वो पता नहीं ऊपर कहीं कुछ लेने गए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, कुछ ज़्यादा ही हो रखी है गर्मी भाई। पहले ना गाड़ी के अंदर से अजीब सी स्मेल आई, उसके बाद ड्राइवर भाई ने गाड़ी रोकी, और उतने में ही है ना नेक्स्ट लेवल ही सीन हो गया भाई। इसका दिमाग ख़राब है, रोड के ऊपर नंगे पैर घूमने की कोशिश कर रहा है, ये दिमाग ख़राब हो रखा है शुभम का भाई। पता नहीं अब कब आएगी गाड़ी। Brother, where is our brother? He went up the hill. To get the network? Yeah. To call his so friend. There is no network here? Yeah. वो भाई है ना आगे गए हैं ताकि उनके फोन में नेटवर्क आ जाए, यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रहे। शुक्र है हमारे पास पानी है भाई। देखो पीछे आप ये देख रहे हो ना, ये भी एक वोल्केनिक माउंटेन है जो अभी काम नहीं करता है, बंद सही हो गया है ये। सुबह सुबह वोल्कनों से निकले, फिर भाई उधर स्विमिंग पूल वाली जगह गए। स्विमिंग पूल तो क्या, वो जगह थी ना जहाँ पे पानी के अंदर नहा रहे थे, अफदेरा लेक, सोल्टी लेक था, जस्ट लाइक डेड सी। हमने वहाँ पे स्विमिंग की, थोड़ा फ्लोट व्लोट किया, फिर वहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग था, उस हॉट स्प्रिंग के अंदर मस्त सा गर्म पानी आ रहा, तो उस लेक के अंदर ऊपर तो था गर्म पानी और नीचे ठंडा पानी। शुभम ने तो उधर मस्त फ्लोट किया। अभी मैं और शुभम यही बात कर रहे थे, अगर चलो ठीक है गाड़ी यहाँ पे खराब हुई, अगर मान लो जब मैं उमिया कौन गया था तब गाड़ी खराब हो जाती ना, तब तो भाई मरने के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि ठंड में है ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। गर्मी में बंदा फिर भी सर्वाइव कर लेगा पानी पी के एक भिगा भिगू। इसको गर्मी ज़्यादा ही लग रही है, जो अरेबिक बंदे ओढ़ते हैं ना सर के ऊपर, उसके अंदर पानी डाल के अब इसको ओढ़ेगा भाई। फाइनली हमारे लिए गाड़ी तो आ गई है, एक ट्रक वाले भाई साहब भी आ रहे हैं, रास्ते में एक ट्रक का एक्सीडेंट हो रखा था। इसीलिए हमें एक चीज़ देखने को मिली है यार, मैं स्टीरियोटाइप बनाना नहीं चाहता, लेकिन हर हमें 15 से 20 किलोमीटर पे एक एक्सीडेंट मिल रहा था। तो शुभम बोलता कि रेफरी के लोगों को ड्राइव करना नहीं आता क्या? फिर एक बार तो मेरे दिमाग में आया, फिर हम दोनों ने डिस्कस किया, हमें नहीं यार ये बात तो नहीं हो सकती। फिर हमने उस स्टीरियोटाइप को बीच में छोड़ दिया कि ठीक है भाई क्या पता नहीं आती होगी। अमेरिकन हमारे बारे में बोलते हैं कि इंडियंस को ड्राइव करने नहीं आती, हम अफ्रीकन के बारे में बोल देंगे, अफ्रीकन और किसी के बारे में बोल देंगे, ये सर्कल चलता ही रहेगा, बढ़िया है। थोड़ा थोड़ा रेसिस सबको ही होना चाहिए। तो एक दूसरी गाड़ी आ गई, अब ये पता नहीं गाड़ी हमें लेके जाएगी या नहीं जाएगी। भाई थोड़ा दिमाग खराब है क्या? मत रख नीचे, नहीं पहले इसका दिमाग खराब है, इसने ना सीधा रोड के ऊपर ही वो कर लिया भाई, यार खत्म हो गया पानी इसका गए। अरे भाई वो इतनी दूर चला गया, ये देखो भाई मैंने अभी 9x का रखा है, देख लो वो रहा भाई, वो आ रहा देख रोड पे। हमारे ड्राइवर भाई साहब उधर नेटवर्क के लिए गए थे, अब वो भाई ड्राइवर को पिकअप करके लेके आएंगे, क्योंकि इधर नेटवर्क नहीं आ रहा था, पहाड़ी के ऊपर नेटवर्क मिला होगा थोड़ा बहुत। लगवा चिकारे का
क्या हो रहा है कि जो दूसरे भाई हैं ये हमारे साथ आ गए हैं, अब हम क्या करेंगे, जो दूसरे भाई इनकी गाड़ी में जा रहे हैं आगे एज ए बैकअप, ये गाड़ी चल रही है अभी, आगे जो हमारी वाली गाड़ी है वो अभी भी चल रही है और जो ओमर भाई हैं वो अभी उसी के अंदर बैठे हैं, लेकिन मैं और शुभम इस गाड़ी के अंदर आ गए। उसमें ना यार बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गई थी, तो मैं थोड़ी देर सो भी लूँगा और शुभम भी सो लेगा थोड़ी देर, और लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद हम समारा पहुँच जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर हमारी जो ट्रिप है वो हो जाएगी ख़त्म। ये भाई अभी हमारी गाड़ी है ना रास्ते में रुके कहीं पे और यहाँ पे हम कोयला खरीदे, चारकोल होता है ना, ये देखिए सारा का सारा है ना चारकोल है। ये अपना चोरनी, ये अपना अमीन, और भाई वापस से हमारा पहुँच चुके हैं जो हमारी डनाकिल डिप्रेशन की फाइनल ट्रिप ख़त्म होती है यहाँ पर। और आज हम जो हमारे गाइड भाई थे जिनके साथ हम पिछले 3 दिनों से घूम रहे थे, उनको आज हम अपनी तरफ से एक डिनर पे लेके आए हैं यार, बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। और अभी हम सभी पी रहे हैं यहाँ पे इथियोपियन बियर, हम पी रहे हैं सेंट जॉर्ज बियर, भाई इधर अलग टाइप की पी रहे हैं और जो सोलमन भाई वो अलग टाइप की पी रहे हैं, जो अपने इसराइली भाई वो अलग टाइप की पी रहे हैं। शुभम कैसा एक्सपीरियंस था? तगड़ा, मज़े आ गए। और भाई हमारी ट्रिप के अंदर ये हमारा सबसे छोटा गाइड, इसकी उम्र गैस करो, हाउ ओल्ड आर यू? 8 साल का बच्चा है भाई ये, उमर भाई बता रहा था जब ये 20 साल का होगा तो इसके पास 12 साल का एक्सपीरियंस होगा। नहीं, 2 साल से काम कर रहा है ये। 2 साल से काम कर रहा है? हाँ, हाँ। You're working from 2 years? ये जा चुका है कितना, 10-15 भाई, 6 साल में मुझे कच्चा पहनना नहीं आता था यार। अभी हमने खाना ऑर्डर कर दिया है और कल सुबह हम निकल जाएंगे अदिस के लिए। यहाँ की बियर बड़ी लाइट टाइप में अच्छी है यार। देखिए भाई मैं इधर एक जगह पे, हम यहाँ पे ना ब्रेकफास्ट करने रुके और ब्रेकफास्ट करने रुकते ही है ना एक ऑटो दिखा मुझे, और ऑटो के ऊपर शायद ये काजल अग्रवाल है, ये आलू अर्जुन और इनका नाम भूल गया यार मैं, हाँ थलपति विजय भाई, मस्त था ना देखो। अभी भाई एक चाय के लिए स्टॉप लिया था और अब उधर शुभम बेजी हो रखा है। शुभम आजा भाई, क्या है ये बजाज की गाड़ी है, ये इंडिया में नहीं मिलती, बाहर देखो। वेरी नाइस कार, नाइस कार, बजाज बजाज या क्यूट कार, नाइस भाई। गाड़ी का नाम बजाज क्यूट, अपने इंडिया में नहीं देखी, छोटी सी कार थी यार, ऑटो से भी छोटी थी यार, नैनो वैनो सब फेल उसके सामने, 2 नैनो बन जाए उसमें, मेरे साथ से बाइक का इंजन डाल दिया होगा शुभम लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, और फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। तो भाई कल रात को हम पहुंचे थे डनाकिल डिप्रेशन से यहाँ पे, कल शाम को ही मान लीजिए, और लेकिन भाई हमारी हालत ख़राब है और अभी भी मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ। शुभम और ओमर भाई अभी रूम के अंदर आराम कर रहे हैं, लेकिन हालत ख़राब हो गई थी यार, ड्राइव भी बहुत लंबी थी और पिछले काफ़ी दिनों से हम डेली सुबह 5-6 बजे उठते थे और फिर हमारा निकलना हो जाता था, तो इस कारण से नींद की जो है ना बैंड सी बजी हुई थी, डेली 6-6, 7-7 घंटे ट्रैवल करना। लेकिन जो मज़े थे ना और जो जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि यार बहुत मस्त जगह हैं, बहुत अच्छी जगह हैं, एंड आई विल रिकमेंड यू गाइस। इस जो पूरी ट्रिप का हमारा खर्चा था वो आया था 30,000 birr, लगभग आप मान सकते हो इंडियन रुपीज़ में 24,000 से 25,000 रुपीज़ के आसपास होता है, और हमने वो डॉलर एक्सचेंज कराए थे ब्लैक मार्केट के अंदर, ब्लैक मार्केट मैंने आपको शायद बताया होगा, हमें $1 का रेट मिला था उस टाइम 112 birr, तो वी पेड 30,000 birr अराउंड, कितना हो गया समथिंग 273 या फिर 220 ऐसे ही कुछ है, इस रेट पे हम ट्रैवल करके आए थे भाई, और बड़ा सही था। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं सोलोमन भाई जो हमारे टूर गाइड थे ना उनके बारे में बताना चाहूँगा, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, उन्होंने बिना ये जाने कि हम यूट्यूबर हैं कोई भी ऐसा सीन, उन्होंने हमें बहुत अच्छा रेट दिया उनको यूट्यूबर के बारे में, तो उन्हें दूसरे दिन पता चला कि हम वीडियोज़ भी बनाते हैं। और रिसेंटली मुझे पता चला, मैंने जब कैलाश भाई की वीडियो देखी इंडो ट्रैकर की, कैलाश भाई भी सोलोमन भाई के साथ ही गए हुए थे, जब मैं वहाँ पहुँचा तब सोलोमन भाई ने मुझे बताया कि अरे कैलाश भाई भी आए थे यहाँ पे, अच्छा तो काफ़ी सही बंदे हैं। मैं आपको कहूँगा कि अगर आप इथियोपिया आते हो और अगर आपको डनाकिल डिप्रेशन का टूर करना है तो इज़ द बेस्ट गाय फॉर यू, सोलोमन भाई साहब बहुत अच्छे रेट देंगे आपको। जब भी आप ये कहेंगे कि भाई नोमैड शुभम की, नोमैडिक इंडियन की या फिर इंडो ट्रैकर की वीडियो देखिए, तो सोलोमन भाई आपको और अच्छे रेट दे देंगे, तो आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और इनका जो व्हाट्सअप नंबर है और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंशन कर दिए हैं, तो आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके अच्छे से अपनी जो ट्रिप है वो बुक कर सकते हो। और अब भाई अगली जो मेरी डेस्टिनेशन
डेस्टिनेशन होने वाली है वो है हरार, जहाँ पे हम जाएंगे हाइना को फीड कर लें। और एक हरार हिस्टोरिकल सिटी है जहाँ पे हम और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। परसों सुबह की हमारी ट्रेन है क्योंकि आज तो मैं रेस्ट करने वाला हूँ, मेरा कुछ भी ऐसा करने का मन है नहीं, थक चुका हूँ भाई, बॉडी की बैंड बज चुकी है। तो यही है, जाके रेस्ट करूँगा रूम में, कल मैं यहाँ पे थोड़ा घूमूंगा और परसों सुबह की हमारी ट्रेन है अदिस अबाबा टू हरार दिरेदावा। तो बस भाइयों, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप इन्जॉइंग योर लाइफ। और भाइयों, जिसको भी ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।